नमस्कार, स्वागत है आपका CTD न्यूज़ में। कोविड की स्टडीज़ में सामने आया कि कोविड शील्ड के दो डोज के बाद एंटीबॉडीज़ की मात्रा कोवैक्सीन की तुलना में ज़्यादा तैयार होती है। हालांकि कोरोना के लिए दोनों वैक्सीन को प्रभावी भी बताया गया है, इसलिए जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगवाया है उनके लिए चिंता की बात नहीं है। इस स्टडी में ये भी कहा गया कि कोवैक्सीन के मामले में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन की संख्या कम पाई गई है। ये अध्ययन देश के 22 शहरों में 515 डॉक्टर्स पर किया गया है। इसमें 95% में एंटीबॉडी दो डोज के वैक्सीन के बाद तैयार देखा गया है। जाहिर है दोनों वैक्सीन के बाद शरीर में समुचित एंटीबॉडी तैयार हो रही है, जो कोविड के इस अध्ययन से साबित हो रहा है। इस अध्ययन में शामिल लोगों के खून की जाँच और एंटीबॉडी की मात्रा के साथ साथ खास एंटीबॉडी की मात्रा की जाँच की गई, जो वायरस के स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ कारगर है। स्टडी में देखा गया कि वायरस के स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडी कोविड शील्ड के केसेस में ज़्यादा तैयार है। भारत में वैक्सीनेशन के दरमियान और उसके बाद वैक्सीन शरीर में कैसा असर करता है, इस पर स्टडीज़ बहुत कम हुई हैं। यही वजह है कि कोविड की स्टडी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस अध्ययन में महिला पुरुष समेत 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग भी शामिल हैं। गौर करने वाली बात यह है कि इस रिसर्च को जनवरी से लेकर मई के महीने के दरमियान किया गया, जब भारत में कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी। वैसे इस स्टडी को डॉक्टर्स का एक समूह निरीक्षण करेगा और उनके अप्रूवल के बाद ही इसे जर्नल में प्रकाशित होने की अनुमति मिल सकेगी। जर्नल में प्रकाशित होने के बाद ही क्लिनिकल प्रोटेक्ट के बाद इस अध्ययन को प्रैक्टिस में लाया जाने वाला चलन चालू होगा। कोविड सील के सिंगल डोज को कोविड वैक्सीन की तुलना में 10 गुना ज़्यादा एंटीबॉडी तैयार होने की संभावना है। इतना ही नहीं, कोवैक्सीन के दो डोज लेने के बाद पाया गया कि कोविड शील्ड के दो डोज के बाद कोवैक्सीन की तुलना में 6 गुना ज़्यादा एंटीबॉडी तैयार होती है। मतलब साफ है कि कोविड शील्ड के सिंगल डोज में कोवैक्सीन की तुलना में 6 गुना ज़्यादा एंटीबॉडी तैयार होती है, जबकि कोवैक्सीन के दूसरे डोज के बाद भी एंटीबॉडी तैयार होने की मात्रा में थोड़ी बढ़ोतरी होती है, लेकिन कोविड शील्ड और कोवैक्सीन का अंतर फिर भी 6 गुना होता है। इतना ही नहीं, कोविड शील्ड के सिंगल डोज के मामले में सोपरो पॉजिटिविटी 4 गुना बढ़ जाता है। इस रिसर्च में पाया गया कि कोविड शील्ड में 98% मामलों में एंटीबॉडी तैयार होती है। जो लोग कोरोना के शिकार नहीं हुए थे, वहीं कोवैक्सीन के मामले में 80% एंटीबॉडी तैयार होती है। स्टडी में दो डोज वैक्सीन लेने के दरमियान और उसके 21 से 36वें दिन तक 6% लोग कोविड से संक्रमित पाए गए। रिसर्च में शामिल लोगों में से 3 वैक्सीन के पहले डोज के बाद, वहीं 27 स्वास्थ्यकर्मी दूसरे डोज के बाद संक्रमित हुए। रिसर्च के ऑथर और GD हॉस्पिटल और डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता के डॉक्टर AK सिंह के मुताबिक, दूसरे डोज के बाद स्वास्थ्यकर्मियों में संक्रमण की वजह हाई वायरल लोड है। दरअसल डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि अप्रैल महीने में कोरोना महामारी चरम पर थी और स्वास्थ्यकर्मी दो डोज के बाद भी एक्सपोज ज़्यादा हो रहे थे। रिसर्च में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले कोविड शील्ड के केसेस में 5.5% बताया गया है, वहीं कोवैक्सीन के केसेस में संक्रमण 2.2% बताया गया है। रिसर्च में इसका कोवैक्सीन के मामलों में ब्रेक थ्रू की कमी की वजह से उल्लेख नहीं किया है। वैसे एक्सपर्ट मानते हैं कि 515 लोगों में 90 को कोवैक्सीन दिया गया था, इसलिए ब्रेक थ्रू केसेस की कमी की वजह से ये हो सकती है। वहीं दूसरी वजह कोवैक्सीन के मामले में बेहतर सेलुलर इम्यूनिटी कारण हो सकता है। वैसे स्टडी में कोवैक्सीन मामले में टी सेल्स इम्यूनिटी का अध्ययन नहीं किया गया है, जिसको लेकर दावा किया गया था कि इसकी वजह से कोवैक्सीन लंबे समय तक इम्यूनिटी जनरेट कर सकता है। भारत बायोटेक और ICMR ने कोवैक्सीन को लेकर कहा था कि ये ब्रॉडर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, जो कोरोना वायरस के अलग अलग जगहों पर अटैक कर उसे न्यूट्रलाइज करता है। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें CTD न्यूज़। साथ ही लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।